हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम 2020 के लिए प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो इसकी एग्जाम डेट है ये जनवरी 2021 में संभावित तिथि है। ये इसका मॉक टेस्ट नंबर एक होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ये मिला है लोथल में। ऑप्शन जो बी है आपका, ये राइट हो जाएगा। हड़प्पी नगर लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आपको ध्यान में रखना है, SR राव के द्वारा। किस सन में? 1954 में। ये कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल नामक गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पुराविद रंगनाथ राव ने 1957 से 58 में खुदाई कराई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 युगल समाधियां, मृदवान उपकरण और हाथी दांत का पैमाना। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन डी अंग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंपा, श्रीवस्ती, अयोध्या, खीरीव्रज राजगृह और विधेय एवं मिथिला क्रमशः अंग, कौशल, मगध एवं वजी महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? ऑप्शन बी वैशाली में हुआ था। द्वितीय वैंड संगीत का आयोजन कालाशोक शिशु नांग वंश के शासनकाल में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबक मीर सर्व कामनी ने की थी। इस संगीत का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंधिक 2 भागों में बांटा गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईस्वी में पराजित किया था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्युकस निकेटर को पराजित किया था। संधि हो जाने के पश्चात सेल्युकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में रंगरिया, हेरात, अराकुसिया, कांधार, जेडोसिया एवं पेरोपनेसेटाई काबुल के क्षेत्रों के कुछ भाग दिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन ए श्रीवस्ती। कनिष्क का रब तक अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान में खोजा गया था। इससे हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गणमुक्ति अक्षर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बलवन। बलवन ने गणमुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। चिश्तिया सूफी संत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दास चिश्ती ने की थी।
किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 1122 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी इनके प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? ऑप्शन डी मृगावती। अब देखिए रचना, इंद्रावती रचना किसकी है? नूर मोहम्मद की। किस काल में प्रकाशित की गई थी? 1740। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी 1540। मधुमालती मंजन 1545। मृगावती कुतुबुन 1503। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? कौन था? ऑप्शन सी WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी ने की थी। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? V.R. अंबेडकर। भारतीय संविधान की पांडुलेखन प्रारूप समिति के अध्यक्ष V.R. अंबेडकर थे। 12वां क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पर रहा। इससे पूर्व 1213 से 1921 तक इंग्लैंड का लॉर्ड चीफ जस्टिस था। रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोल में सम्मेलन कब बुलाया गया? 1930 ईस्वी। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोल में सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सरभु, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद सकी, आगा खान, कजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयशंकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजाठिया आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड से ऊपर का चयन कीजिए। सूची एक में अध्यक्ष, सूची दो में राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। ऑप्शन जो डी है आपका ये राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? रामगढ़ 1940, अबुल कलाम आजाद से संबंधित हो जाएगा। कानपुर 1925, सरोजिनी नायडू से हो जाएगा। अमृतसर 1919, मोतीलाल नेहरू से हो जाएगा। बम्बई 1934, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। सही सम्मेलन किस प्रकार रहेगा? अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद इकबाल ने रखा था। यह आपको ध्यान रखना है। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इकबाल ने 1930 की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? ऑप्शन सी लियाकत अली खान। 1946 में लॉर्ड वेवल के बहुत समझाने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई।
अक्टूबर में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए, जिनमें से लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नए बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए थे। अगला क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? एस के आजाद। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आजाद। अब बात करते हैं भारत का भूगोल के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लसुंधरा राजस्थान। लसुंधरा उष्ण स्रोत गुजरात के रेवाड़ा जिले में स्थित है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज। सतलज नदी मानसरोवर के निकट रक्सता से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ब्यास, इतिहास, बसपा इसकी सहायक नदियां हैं। उपयुक्त सभी विकल्पों में सतलज ही एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्राय इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थान है। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा तथा इन्हावती। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट इसमें मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र प्रसिद्ध है, स्थित है? ऑप्शन सी मदुराई, क्यूमोटर बेंगलुरु प्रदेश। भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, यथा ए है बृहद औद्योगिक प्रदेश, बी है लघु औद्योगिक प्रदेश, सी है विनिर्माणी जिले। बृहद औद्योगिक प्रदेश के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक मदुराई कंप्यूटर बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी स्थित है। विश्व का भूगोल क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ऑप्शन बी सेरा लियोन। मध्य प्रदेश में एंटीगुआ और बारमूडा, बहामास, बारबाडोस, वेलिस, कोस्टा रिका, यूबा, डेमोकिनन और डोमिनिकन रिपब्लिक, अल सलवाडोर, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, मेक्सिको, निकारगुआ, पनामा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विसेंट, ग्लाटेनोरिस, त्रिनिदाद टोबैगो नामक 21 राज्य स्थित हैं। सेरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपी नाइन पर्वत इटली में स्थित है। आल्पर पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। दिनारिक आल्पस पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, ब्रसोनिया, कोसोवो, मेंट्रोविया, सर्बिया, स्लोनोमिया में स्थित है, जबकि आल्पस और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? कौन सी है? ऑप्शन ए टांगानिका झील। याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो दे सकते हैं झीलें हैं और उनकी जो गहराई है वो कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं टांगानिका की, यह है 676 किलोमीटर इसकी लंबाई। गहराई कितनी है? 1470 मीटर से 4823 फीट। बैकाल झील की बात करते हैं, 636 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गहराई कितनी है? 1642 मीटर से 5387 फीट। सुपेरियर झील लंबाई कितनी है? 616 किलोमीटर। गहराई की बात करते हैं, 406.3 मीटर से 1333 फीट। ग्रेट बियर की बात करते हैं, 373 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। गहराई है 446 मीटर से 1463 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका सन 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका। वर्ष 2011 के अनुसार जो आपका रिपोर्ट है वो इस प्रकार से रहेंगे, एशिया जनसंख्या कितनी है? 42.7 मिलियन, जनघनत्व 86.7। अफ्रीका की बात करते हैं 1.7 मिलियन, 32.7। यूरोप की बात करते हैं 0.74 मिलियन, 70। उत्तरी अमेरिका 0.34 मिलियन, 22.9। दक्षिण अमेरिका 0.39 मिलियन, 21.4।
अगला है ओशेनिया, जिसका जनसंख्या है 0.4 बिलियन और जनघनत्व 4.25। अगला है अंटार्कटिका 4,490, जनघनत्व 0.00। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 को चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम बाल मृत्यु दर गोवा मणिपुर में 11 प्रति 1,000 रही, जबकि केरल में 12 प्रति 1,000 है। देखिए, अगले जो आपकी जो जनगणना की जाएगी वो जनगणना 2021 में की जाएगी, आपको ध्यान रखना है।